तो क्या आप ले जाना चाहते हैं अपनी अपाचे 160 बाइक को लद्दाख बाइक ट्रिप पे? और है आपके मन में कुछ सवाल जैसे कि कौन सा रूट होना चाहिए, पेट्रोल का कितना खर्चा आएगा, खाने का कितना खर्चा आएगा, रहने का क्या खर्चा आएगा, परमिट कहाँ से मिलेगा, कैसे लेना, कितने का परमिट मिलेगा और कितने किलोमीटर का सफ़र होगा और टोटल खर्चा कितना होगा? ऐसे कुछ सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। सो वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ अमित जांगड़ा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवेंचरर अमित पे। तो आज हम करने वाले हैं बात लद्दाख और अपाचे RTR 160। जी हाँ, स्पेसिफिकली आज अपाचे के बारे में बात होगी, क्योंकि लास्ट ईयर मैं जब लद्दाख गया था लॉकडाउन में, तब मैं अपाचे लेके गया था 160 RTR 2B, तो उसका मेरा एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि क्या क्या प्रिपरेशन आपको करनी होगी। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं कि आपको रूट कौन सा लेना है, क्योंकि तो रूट से ही पता लगेगा कि आपके कितने दिन लगेंगे और कितने किलोमीटर का आपका सफ़र होगा। तो सबसे पहला जो रूट है जो ज़्यादातर लोग लेते हैं, वो लेते हैं श्रीनगर ले हाईवे। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ से अगर मैं सारी बातें दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, क्योंकि दिल्ली एक सेंटर मान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इलाके से मतलब मैक्सिमम जो इंडिया के शहर हैं या गांव हैं या स्टेट हैं, वहाँ से कनेक्टिविटी दिल्ली की अच्छी है, तो दिल्ली को हम बीच में लेके चलेंगे। अगर हम जा रहे हैं श्रीनगर के रास्ते, तो हमारे रास्ते में आएगा जम्मू, उसके बाद श्रीनगर, कारगिल, देन ले, तो एक रूट ये बनता है। अब वो आपकी चॉइस है कि आपको उसी रूट से वापस आना है या फिर एक पूरा सर्किट होता है जो कि मनाली होते हुए वापस आता है। तो एक पहला रूट ये होता है। दूसरा रूट होता है कि आप मनाली से जा रहे हो और देन आप श्रीनगर से आ रहे हो, या फिर आप मनाली से जाके मनाली से ही वापसी आ रहे हो, तो ये रूट है। तो अगर मोटा मोटा आपको बताऊं, और जो मेजोरिटी लोग विजिट करते हैं लद्दाख में प्लेसेस, वो सब अगर हम अकाउंट में ले लें, तो मैक्स टू मैक्स आपके किलोमीटर्स आएंगे 3500 किलोमीटर्स। मैक्स टू मैक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर भी घूमें, तो थोड़े ज़्यादा लेके चलते हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है जो आपको समझा पाऊँ मैं, वो थोड़ी अच्छे से आपको समझ में आ पाएगी। तो अब आते हैं कि पेट्रोल का एक्सपेंस कितना होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, पेट्रोल का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा आएगा पेट्रोल का ही। तो अगर हम 3500 किलोमीटर लेके चलें, और ऑन एन एवरेज अगर लेके चलें कि आपकी बाइक की जो माइलेज है आप वो देगी 40 किलोमीटर पर लीटर, क्योंकि अब हम ये अपाचे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो अपाचे की 40 से 60 के बीच में माइलेज आ ही जाती है, क्योंकि मैंने खुद नापी थी माइलेज एक बार, 40 km/L की माइलेज है और हमारा डिस्टेंस है 3500। तो 3500 डिवाइडेड बाई 40 वो हमारे लीटर्स में पेट्रोल आ जाएगा। तो फिलहाल हम लेकर चल रहे हैं कि पेट्रोल का रेट 100 रुपये के आसपास होगा, क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है। अभी यूक्रेन रशिया क्राइसिस की वजह से ज़्यादा ऊपर हो सकता है कि बढ़ जाए, क्या पता बढ़ गया होगा इस वीडियो आते आते तब तक। तो फिर भी चलो हम 100 लेकर चलते हैं। 100 लेने के बाद जो मेरी कैलकुलेशन आई थी वो आई थी 9000 रुपये की। तो जी अपाचे का पेट्रोल खर्चा मैंने अपाचे 160 RTR का मैंने आपका पेट्रोल खर्चा बता दिया जी, 9000। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आता है हमारा परमिट और उसका खर्चा। तो जब मैं लद्दाख लास्ट ईयर गया था 2021 में, उस टाइम तो परमिट के पैसे लगा करते थे, मतलब एक 400 रुपये का बेस फेयर होता था, उसके बाद 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चार्जेस होते थे। तो करीबन मतलब अगर थोड़ा सा ट्रिप लंबा है तो 1000-1500 के करीब लग जाते थे एक आदमी के, लेकिन ट्रिप आपका छोटा है तो 600-700 रुपये पर पर्सन, क्योंकि पर पर्सन का हिसाब होता है, उसमें व्हीकल का कोई हिसाब नहीं होता, तो पर पर्सन का 600-700 रुपये हो जाता था पहले। लेकिन जैसे ही मैं लद्दाख ट्रिप वापस करके आया, तो मैंने न्यूज़ पढ़ी कि जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं, डोमेस्टिक ट्रैवलर्स का मतलब जो हमारे इंडिया की स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, और जो हमारे जो इंडिया की स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं, अगर वहाँ से कोई वहाँ का रेजिडेंट या फिर इंडियन सिटीज़न सिंपली कह लो, अगर लद्दाख में जा रहा है, तो उसके लिए कोई भी परमिट की नीड नहीं है अब, जो लेटेस्ट न्यूज़ मैंने लास्ट ईयर आने के बाद देखी थी। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन स्टे का। जी हाँ, स्टे मतलब होटल में रहना है, होम स्टे में रहना है, टेंट में रहना है, तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर ऐसी भी जगह है जहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, मतलब जो मिल रहा है वही लेके काम चलाना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसी भी लोकेशंस हैं। अगर आप कन्वीनियंस और चीप मेथड चाहते हो और स्टे करने के लिए, क्योंकि बाइक ट्रिप में क्या है, आपको करना क्या है, आपको जस्ट नहाना धोना है और सोना है, तो उसमें आप टीवी का क्या करोगे, और सबसे बड़ी बात बड़े कमरे का क्या करोगे,
तो उस हिसाब से अगर मैं ऑन एवरेज जो मैं रूम का खर्चा लेके चलता हूँ वो 500 रुपये के आसपास मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि 500 रुपये एक स्टैंडर्ड सा प्राइस है जो हमेशा रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो स्टे में बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि यार हमें टेंट में रहने को कहाँ मिलेगा, तो टेंट में रहने के लिए मतलब कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आते हैं कि यार ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है और टेंट में रुक रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है और ये सब है, तो ऐसी बहुत प्यारी प्यारी लोकेशन है। अगर मैं बात करूँ, अगर आपका ट्रिप थोड़ा सा लंबा है, मतलब सोमरेरी सो कर जा रहे हो, तो सोमरेरी में तो फिर भी आपको होम स्टे मिल जाएंगे, मतलब होटल तो वहाँ तो भूल जाओ, टेंट्स मिल जाएंगे और आपको होम स्टेज मिल जाएंगे, वो भी इस किफ़ायती रेट पे बहुत सस्ते में मिलेंगे। और टेंट का जो असली मजा मेरे को लगा वो है सोकार में, सरचू में, पांग में, अंग के बाद एक बाराचा पास के पास आता है भरतपुर। अगर हम लगाते हैं कि दिल्ली से दिल्ली हम 10 दिन में कर पा रहे हैं, तो 10 दिन का करने का मतलब 5000 का एक्सपेंस आपका ये हो जाता है। तो जी ये तो थी स्टे की कहानी, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आता है जी हमारा फूड। तो जी खाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों बहुत सारी लोकेशन तो ऐसी है कि आपको सिर्फ वहाँ दाल चावल ही मिलेगा और कुछ मिलेगा ही नहीं, चाय मैगी दाल चावल बस। जैसे कि सोकार, सरचू, ये जो रिमोट लोकेशन है ना जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ सिर्फ यही मिलता है, इसके अलावा बहुत कम चांस है कि आपको कुछ मिल जाए, मतलब वो यार लोकेशन ही ऐसी आप जाओगे तो पता लगेगा आपको कि वहाँ पे कोई गांव ही नहीं है दूर दूर तक। ये तो मैंने बताया सिर्फ मनाली से लेह वाले रूट के बीच में, ठीक है। उसके बाद नुब्रा जा रहे हैं तो नुब्रा में फिर भी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, थोड़े बहुत वैरायटी मिल जाएगी, तुरतुक में भी मिल जाएगी। तुरतुक के बाद अगर हम जा रहे हैं पैंगोंग, तो पैंगोंग में भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे काफ़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है वो। पैंगोंग के बाद सोमरीरी में ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सोकार में ज़्यादा नहीं मिलेंगे, फिर पांग में ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ना सरचू में ज़्यादा मिलेंगे, ना जिस्पा में ज़्यादा मिलेंगे, फिर केलोंग ही मिलेगा आपको सीधा ऑप्शन, केलोंग के बाद फिर मनाली में ऑप्शन मिलेगा। तो खाने का खर्चा कितना आता है जी, तो खाने का खर्चा ऐसा है आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपका हज मार के 150 रुपये में हो जाएगा, वो तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। एक टाइम का खाना 100 रुपये के अंदर अंदर, मतलब 60-70-80 रुपये में आपका एक टाइम का खाना बड़े प्यार से हो जाएगा, मतलब दिन में आप ये लगा लो कि 300 रुपये के आसपास आप खर्च कर लोगे अगर आप एक वेजिटेरियन इंसान हो तो। भाई नॉन वेज का डिपेंड करता है यार, अगर उस लोकेशन पे इजीली अवेलेबल है नॉन वेज तो वहाँ पे रेट कम मिलेंगे, अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे रेट ज़्यादा मिलेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो उसके मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। तो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया यार, हमारा हमने ये तो डिस्कस किया नहीं कि क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए अपाचे पे, क्योंकि एक तो बाइक थोड़ी छोटी है 160 cc है, ज़्यादा लगेज भी नहीं होना चाहिए, और लगेज मैनेजमेंट भी एक चीज़ होती है, अगर वो अच्छे से मैनेज ना हो, ढंग से ना बांधा हो तो इशू ही रहता है पूरी ट्रिप पे, मतलब दुखी होने वाली बात है। तो लगेज में सबसे पहले आते हैं जो सबसे ज़्यादा सामान होता है वो होता है जी हमारे कपड़े। जी हाँ कपड़े, तो कपड़ों के लिए मैं ऐसा बोलूँगा अगर आपका 15 दिन का ट्रिप है तो उसमें आप जो आपका घूमने का दिन है जिसमें कि आप बाइक नहीं चलाओगे वो कितने दिन हो सकते हैं, वो 3-4 दिन, हद मार के 5 दिन। 5 दिन मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए लेकिन 5 दिन ऐसे होंगे नहीं, 3 पेयर आप उसके लिए रख लीजिए, 2-3 पेयर और रख लीजिए, मतलब 5 पेयर हद से 5 पेयर, ठीक है 5 पेयर रख लीजिए। क्या आते हैं इनर वेयर्स तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आती है स्वेट शर्ट या उसका कोई और अल्टरनेट गर्म कपड़ों में। उसके बाद आएगी जी आपकी ऊपर की जैकेट। जी हाँ जैकेट बहुत ज़रूरी है, अगर आप रेगुलरली राइड करते हो तो आपको राइडिंग गियर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत अच्छी सेफ्टी होती है, अगर बाई चांस आप गिर जाते हो, एक्सीडेंट हो जाते हो, कुछ भी है आप सेफ रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा मेजर चोट नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कभी कभी राइड करते हो तो राइडिंग गियर बहुत थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि सस्ते वाले लेने का फ़ायदा नहीं है, कुछ भी लो ना लो एक ही बात है, ढंग के राइडिंग गियर है वो बहुत महंगे हैं। तो आप एक ऐसा कर सकते हो कि आपकी एक पैंट या पजामा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोई मोटा सा पजामा आप लेके चलिए, वो रखिए और एक जैकेट ऊपर, मतलब ये सिर्फ ऊपर के लिए बोल रहा हूँ, अंदर आप कितने भी कपड़े पहन सकते हो अपने कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि आपको कितनी ठंड लगती है सबका अलग अलग लेवल होता है, किसी को ज़्यादा ठंड लगती है कम लगती है, तो उस हिसाब से आप अंदर अपनी लेयर्स बढ़ा सकते हो। तो जो वो वेयर ऊपर होगा ना एक पैंट का एक जैकेट का, वो ऐसा रखना है कि आप राइडिंग करते टाइम सिर्फ वही पहने, अगर वो गंदा भी हो रहा है तो ऐसा कलर हो कि वो गंदा ना लगे, या आसानी से झाड़ के या फिर मतलब साफ आसानी से हो जाए, वो गंदा ज़्यादा ना लगे।
उसका बेनिफिट ये है कि आपको ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं करनी पड़ेंगी। मतलब अगर मान लो कि आप बार बार चेंज कर रहे हो सबसे ऊपर वाली लेयर भी, सबसे ऊपर वाली लेयर जो होगी वो गर्म कपड़े की होगी और वो जगह भी ज़्यादा लेगी बैग के अंदर। उस चीज़ को बचने के लिए कि आपका लगेज कम हो, मैं ये बोलूँगा कि आप एक पेयर रखिए अपना ऊपर की जो लेयर है बाइक के ऊपर, राइडिंग गियर आपका कह लो सिंपली यार अपना देसी भाषा में, ठीक है अपना राइडिंग गियर वही है भाई। तो ये राइडिंग, ये होगा कपड़ों के बारे में बात। उसके बाद आते हैं कि क्या क्या एसेंशियल चीज़ें और हैं जो आपको कैरी करनी चाहिए। तो उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है जी आपके पास ड्राई फ्रूट्स, कुछ बिस्किट का पैकेट, नमकीन का पैकेट आपके पास बैकअप में होने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मौसम बिगड़ जाता है या लैंडस्लाइड हो जाता है और मतलब ऐसा तो खुल जाता है जल्दी, मतलब 5-6 घंटे लग सकते हैं कई बार, कई बार 1 घंटे में खुल जाता है, कई बार आधे घंटे में खुल जाता है। मतलब हमें तैयार रहना है कि ऐसी लोकेशन पर हम फंस ना जाएँ कि हमारे पास कुछ भी ना हो, क्योंकि पानी तो अवेलेबल हो जाएगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि इतने सारे झरने वगैरह होते हैं तो पानी की इतना इशू है, फिर भी पानी का इतना इशू नहीं है। खाना का थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो अपने साथ कैरी करिए ड्राई फ्रूट वगैरह अगर हो सकता है। ड्राई फ्रूट वगैरह मतलब वो बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ जो उसकी एक्सट्रीम कंडीशन है लद्दाख की, उस कंडीशन में जो हम ड्राई फ्रूट वगैरह खाते हैं वो मतलब या जूसेस पीते हैं वो बॉडी के लिए अच्छा होता है उस क्लाइमेट के हिसाब से, क्योंकि जो आर्मी वाले हैं उनको भी यही प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट ऐसे इलाकों में। इन केस ऑफ बाइक में कोई दिक्कत आ जाती है तो उसकी ट्रबल शूटिंग के लिए आपके पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आजकल जो है ट्यूबलेस टायर्स ही आते हैं अपाचे में या किसी भी बाइक में, मेजोरिटी सब में ट्यूबलेस ही आते हैं। 150 रुपये की हर मार्केट 200 रुपये की पंचर किट आती है ट्यूबलेस टायर की, उसको लगाना सीख भी लीजिए। और एक पंप रख लीजिए, अगर आपके पास बजट आपका ठीक है तो आप इलेक्ट्रिक पंप ले सकते हो, उसका प्लग का जुगाड़ भी एक होता है, वो मैकेनिक को आप बोलोगे तो वो कर देंगे आपकी बैटरी के साथ बाइक की, तो उससे इलेक्ट्रिक पंप से हवा भर सकते हो। और इन्फ्लेटर उनको बोलते हैं, टायर इन्फ्लेटर एक्चुअली। और अगर आप अफोर्ड नहीं करना है आपको तो जो नॉर्मल हमारा हैंड पंप होता है मैनुअल वाला, नॉर्मल साइकिल वाला हैंड पंप होता है, वो आप खरीद सकते हो। बस मेक श्योर कि जो वो जो उसका वाल है जहाँ से वो अटैच होगा हमारे टायर के वॉल से, उसमें वो फिट आराम से आ जाए और कोई लीकेज ना हो, हवा आसानी से भरी जा रही हो, तो ये सब आप मेक श्योर कर लेना पहले। पंचर किट के बाद आते हैं जी, हमारे पास होनी चाहिए एक एक्स्ट्रा में एक्सेलेटर वायर, क्लच वायर और जी ब्रेक पैड्स, क्योंकि ब्रेक पैड्स में इसलिए बहुत, वैसे तो घिसने नहीं चाहिए इतने किलोमीटर पे, लेकिन कई बार क्या होता है जो काफ़ी राइडर्स हैं उनकी आदत होती है कि उसका ब्रेक पैड पे जो पैर है ना लगा रहता है ज़्यादातर पिछले ब्रेकों पे। उससे होता क्या है, मतलब वो ज़्यादा ही ब्रेक यूज़ होता है उनका, उनको अनजाने में यूज़ कर जाते हैं। तो कई बार क्या है, ऐसी वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी है कि वो ब्रेक शू ही मतलब लगने ही बंद हो जाते हैं या वो घिस जाएगा, तो उस केस के लिए हमें तैयार रहना है, तो हमारे पास वो भी होना चाहिए। अच्छा जी, ये सामान होने के बाद भी आपको बेसिक ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए इन केस अगर बाइक स्टार्ट नहीं होती है, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, प्लग का मार सकते हो, प्लग को साफ़ कर सकते हो या प्लग चेंज कर सकते हो, तो क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, तो वो चीज़ें आप थोड़ी सी सीख सकते हो यूट्यूब पे वीडियोस देख के या फिर किसी ऐसे मैकेनिक से मिलके जिसका एक्सपीरियंस हो अच्छा खासा अपाचे का मेनली। तो आपको बेसिक चीज़ें बता दें कि फ्यूज़ कहाँ पे लगे होते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी कैरी करने होंगे आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी होगी। उसके बाद जी अब आता है मोबाइल फ़ोन के बाद, जी हाँ, आप एक तो सबसे पहले तो वहाँ पोस्टपेड कनेक्शन चलता है, स्पेसिफिकली लद्दाख की बात करूँ तो उस रीजन में क्या है, एयरटेल और BSNL का नेटवर्क बहुत अच्छा चलता है, पोस्टपेड तो वहाँ कंपलशन है ही कि बिना पोस्टपेड नहीं चलेगा, एयरटेल और BSNL। अब उसमें से जो सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी है उस एरिया में वो है BSNL की। BSNL का नेटवर्क आपको पैंगोंग पर भी मिल जाता है, पैंगोंग पर हालांकि कुछ टाइमिंग्स होती है उस, इतने से इतने बजे के बीच में ही चालू होगा नेटवर्क, लेकिन पैंगोंग पर भी BSNL के नेटवर्क्स हैं, तो BSNL का आप कैरी कर सकते हो। अगर आपको मतलब आपके पास ऑलरेडी एयरटेल का पोस्टपेड कनेक्शन है तो BSNL का कैरी ना करें, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल बंदे होते हैं लद्दाख के बहुत सपोर्टिव हैं, उनका किसी ना किसी के पास आपको BSNL का कनेक्शन मिल जाएगा, मतलब उनके पास होता ही BSNL कनेक्शन है जो पैंगोंग लेक पे काम करते हैं। तो जी अब आते हैं नंबर ऑफ डेज़ के ऊपर, तो नंबर ऑफ डेज़ की कहानी जी ऐसी है कि आपकी छुट्टी पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी छुट्टी है। अगर आपके पास 7 दिन की छुट्टी है तो 7 दिन की भी आइटनरी बन सकती है, 10 दिन की है तो 10 दिन की भी बन सकती है, 15 दिन की है तो 15 की बन सकती है, 20 की है या फिर 30 दिन की है तो उसकी भी बन सकती है। क्योंकि मैंने लद्दाख 2018 में किया था, वो किया था मैंने 12 से 15 दिन के बीच में,
अब जो मैंने 2021 में लद्दाख किया था वो किया है मैंने 20-21 दिनों के अंदर कर दिया था मैंने। 2021 वाले ट्रिप में क्या है, एक तो लॉकडाउन की समस्या थी, उसकी वजह से कुछ दिन एक्स्ट्रा लग गए, और एक दिन एक्स्ट्रा लग गया था जो मेरे साथ जाता है मेरा भाई द जांगड़ा राइडर, उसकी बाइक की चेन टूट गई थी तो एक दिन वहाँ पे हमारा ख़राब हो गया था, तो ऐसे ऐसे करके हो गया था। और हमने लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर की थी वहाँ पे, मतलब एक लोकेशन नहीं की थी, काफ़ी सारी लोकेशन हमने की थी, तो लगभग मतलब मोटा मोटा जो मेरे को याद आया मैंने 25 दिन के आसपास का था हमारा था वो। तो जी थिंग्स टू कैरी में मैं एक चीज़ भूल गया था जो कि है जी जेरी कैन। वैसे अपाचे जैसी बाइक वैसे तो आपकी पहुंच जाएगी, क्योंकि जो मनाली से लेह तक का जो रास्ता है उसके बीच में एक पैच है 350 किलोमीटर का, उस डिस्टेंस के बीच में कोई भी पेट्रोल नहीं है, मतलब एक टांडी पुल नाम की जगह है वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से 350 किलोमीटर बाद करू नाम की जगह आती है वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, तो उसके बीच में कोई भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे या पाचे चल जाते हैं लेकिन फिर भी फॉर अ सेफर साइड आप एक 5 लीटर का जेरिकन कैरी करिए और उसको अपने बाइक के साथ बांध लीजिए। तो अब लगेज को बांधोगे कैसे, लगेज को बांधने के लिए आपको बंजी कॉर्ड का इस्तेमाल करना होगा। बंजी कॉर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तो उससे बांधना आसान है, फिर उसको खोलना भी आसान है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और सामान हिलेगा भी नहीं। नॉर्मल रस्सी से क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, नॉर्मल रस्सी से भी मैंने ट्रिप की है एक नहीं कई बार की है, तो बहुत समस्या मेरे को फील हुई है। तो बंजी कॉर्ड जब से लिए हैं जब से लाइफ आसान है। और जी एक होती है वाटरप्रूफ की लेयर, आप कोई भी ले सकते हो, आप तिरपाल टाइप बोलते हैं या फिर कोई पोलोथीन ले सकते हो बड़ी सी, या कुछ भी जो जिससे वाटरप्रूफिंग हो पाए उसमें अपना सामान लपेट के और फिर बंजी कॉर्ड से उसको बांध लो तो हमारी वाटरप्रूफिंग हो जाएगी। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने डिस्कस की हैं आज आपके साथ लद्दाख बाइक ट्रिप होना पाचे RTR 160 के बारे में। अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं बिल्कुल जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। और कोई और वीडियो आप स्पेसिफिक चाहते हो कि मैं इस पर बनाऊँ तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। तब तक के लिए मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो।